असला स्टूडेंट्स वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट के एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने वी यू की तरफ से पिछली दफा हमने जावा से स्टार्ट लिया था एंड वी ट्राई टू फिगर आउट हाउ जावर वर्क वी फाइंड आउट दैट जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म वी राइट द कोर्ड फॉर जावा वंस एंड देन इट कैन रन एवरी वेयर आज हम उसी को लेकर थोड़ा सा आगे जाएंगे हम देखेंगे कि जावा में बहुत सारे बेसिक टास्क हम कैसे परफॉर्म करते हैं जैसे इनपुट आउटपुट लेना जैसे कमांड लाइन से ऑर्ग्यूमेंट लेना जावा की एक क्लास बनाना इसके अलावा हम जावा में कुछ और चीजें भी देखेंगे कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं, किस तरह एक प्रेमेटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट को वापस प्रेमेटिव डेटा टाइप में उसकी वैल्यू ली जा सकती है साथ ही साथ मे बी वील टेक अ लुक दैट वेयर द मेमरी फॉर एन ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड एंड वेयर द मेमरी फॉर एन डेटा टाइप इज एलोकेटेड सो वी वील डू ऑल दीज थिंग्स टूडे इन दिस लेक्चर और इनके हम साथ कोड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके साथ साथ हम कुछ बेसिक टास्क देखेंगे जो कि आप सी प्लस प्लस में परफॉर्म करते हैं जैसे कि फॉर लूप लगाना वायर लूप लगाना डू वायर लूप लगाना एफ एल्स का स्ट्रक्चर सिलेक्शन स्ट्रक्चर ये सारे टास्क हम वहां पर भी देखेंगे कि जावा में कैसे परफॉर्म किए जाते हैं आपको शायद फील हो रहा और, और पिछली दफा के लेक्चर में भी आपने महसूस किया कि मेरी पेज कुछ तेज है आई एम इजमिंग दैट यू ऑलरेडी फेमिलियर विद्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यू नो वट इनहेरिटेंसिस यू नो वट इज अ क्लास यू नो वट इज पॉलीमार्फिज्म यू आर अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग यू आर अवेयर ऑफ मैथड ओवरलोडिंग यू आर अवेयर ऑफ ओवर राइडिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट ओवर प्रिंसिपल सो वट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड देंटेक्स फॉर जावा

रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर के रिव्यू में हम यह नहीं जाएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था कि JVM क्या होती है बाइट कोड क्या होता है जो हेलो वर्ल्ड एग्जांपल हमने कोड की थी जरा उसको देखते हैं कि वो क्या था और उससे रिलेटेड कुछ माइनर सी डिटेल्स को जरा उनको एक्सप्लेन करते हैं सो so, ये देखे आपके सामने एक स्लाइड है जिसमे हमारा लास्ट टाइम का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड एप पब्लिक स्टेटिक वर्ड मेन स्ट्रेग आग एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन Hello World. ये वो कोड है जो कि हमने लास्ट टाइम लिखा था एंड वी आर अवेर ऑफ द फैक्ट दिस कोड एबल्स टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द कॉन्सोर सो लेट्स टेकुक ये काम कैसे होता है वंस यू राइट द कोड यू सेव इट विदा एक्सटेंशन इन सम फाइल यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी डी ड्राइव में दे इज आर डायरेक्टिव विद नेम ऑफ वी यू वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एप्रोवेशन और वहां पे हम अपनी सारी डॉट जावा फाइल्स रख रहे है आप देखेंगे जो पहली कमांड हमने लिखी है दट इज सेट पाथ

जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इट ट्राइज टू फाइंड द जावा कंपाइलर इन द करंट डायरेक्ट्री ओवर हियर वी आर टेलिंग आर ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो जावासी जब हम लिखें, तो ना सिर्फ उसको करंट डायरेक्टरी में देखो बल्कि इस पाथ पे जाके चेक कर लो सो ऑल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे जावासी या जावा है उनको इस पाथ पे इस फोल्डर में जाके भी चेक कर लिया जाएगा की क्या वो यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है इस तरह आपको अपनी फाइल्स किसी भी फोल्डर में आप बना सकते हैं यू डोन्ट हैो

इस वक्त हम डायरेक्टरी लेके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है डायरेक्टरी में अगर आप देखें तो हमारे पास एक फाइल आ रही है हेलो वर्ल्ड एप डॉट जावा दिस इज आवर सोर्स कोड वो कोड जो कि अभी हमने लिख के डॉट जावा की एक्सटेंशन से सेव किया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा में हमारा सारा जावा का सोर्स कोड पड़ा होगा एवरी सोर्स कोड फाइल इज रिटर्न विद सेव डॉट जावा एक्सटेंशन ना वंस वी हैव सेव दिस फाइल द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंपाइल एट To compile a file, as we discussed in the last lecture, you use Java C, which stands for Java Compiler. So, we are saying that Java C Hello World App. dot Java. This Hello World App. Dot Java, this command Java C Hello World App. Dot Java will compile your code. In Java, we have ki that the code compile okay? बाइट कोड में चेंज होता है नेटिव कोड में चेंज नहीं होता और ये बाइट कोड ही है जो कि हमें अलाव करता है कि हम जावा को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर दें सो व्हेन वी कंपाइल आर जावा प्रोग्राम वी आर कम फाइल व्हिच कंटेन्स अ बाइट कोड फॉर द जावा फाइल सो अब हम दोबारा डायरेक्टरी लेके देखते हैं कि क्या कोई नई फाइल हमारे पास क्रिएट हुई है ये हमारे पास डायरेक्टरी आई वी की इसमें आप देखें कि हेलो वर्ल्ड एप डॉट जावा तो वही फाइल है जो कि हमारी सोर्स फाइल थी बट नाउ वीव गॉट ए न्यू फाइल दट इज हेलो वर्ल्ड एप डॉट क्लास ये जो डॉट क्लास फाइल है ये वो फाइल है जिसमें हमारा बाइट कोड पड़ा है याद रखे की एग्जी फाइल नहीं है किसी मशीन पे इस तरह से नहीं चल सकती इसको जावा का इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा उस मशीन के कोड के मुताबिक एंड देन इट विल रन सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी वॉन्ट टू रन दिस फाइल सो हमने एक तीसरी कमांड लिखी है जावा हेलो वर्ल्ड एप दिस जावा हेलो वर्ल्ड एप एक्चुअली runs your java program and you see an output hello world which is printed on the console. Now let's, let's take a deep look at this program. The first thing that you need to remember is that name of your file must match name of class. So if we have defined a class hello world app, the name of the file should also be hello world app. Java. और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास होगी देर कैन बी एनी नंबर ऑफ क्लासेज इन अ फाइल बट देयर विल ओनली बी वन पब्लिक क्लास बिकॉज द नेम ऑफ द फाइल मस्ट मैच विद योर पब्लिक क्लास एक चीज इसका आपको ख्याल रखना है कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज एंड सो इज द नेम ऑफ द फाइल ओवर हियर नेम ऑफ द क्लास ओवर हियर। सो जिस केस में आप क्लास का नाम दें उसी केस में फाइल का नाम भी होना चाहिए और बाकी भी जावा की प्रोग्रामिंग के दौरान यह आप ख्याल रखें कि आपकी जो केस सेंसिटिविटी है जावा की लैंग्वेज में वो इनकॉर्पोट uh, उसको करें एक एम्प्लॉय uh, जो कि आपने कैपिटल ई e से लिखा हुआ है उस एम्प्लॉय से डिफरेंट है जिसको आपने स्मॉल ई e से लिखा है सो so, जावा का प्रोग्राम लिखने के बाद हमारी प्रोसेसिंग कहां से स्टार्ट होती है सी प्लस प्लस में कहा से स्टार्ट होती थी मेन फंक्शन से और सिमिलरली इन पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन विल राइट आर स्टार्टिंग कोड ऑफ आर एप्लीकेशन सो पब्लिक स्टेडिक वर्ड मेन इज अ मेन काउंटर पार्ट ऑफ जावाद सी प्लास पर्स जावा की तरफ से जो मेन आया वो ये है ये पब्लिक स्टेडिक वर्ड मेन गया ये नेक्स्ट स्लाइड में इसको एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं प्रिंटिंग जो आपने की वो सिस्टम डॉट आउट से की हमने पिछली दफा भी डिस्कस कर लिया था कम्पाइल जावा सी से किया और एग्जीक्यूट को जावा से किया सो आई एम श्योर की अब तक ये चीजें आप uh, कर चुके होंगे कोई बेसिक प्रोग्राम भी बना के देख चुके होंगे जो नेक्स्ट चीज एक्सप्लेन करने वाली है यहाँ पे और जिसकी हमें जरूरत है वो ये है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या चीज है सो लेट्स सी की पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या चीजें है। yeah. so हैं। तो ये देखते हैं कि जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ये इतना बड़ा सिंटेक्स क्या बुला है और जवाब में इसकी क्यों जरूरत पड़ गई इन सी प्लस प्लस वी हैव ए वेरी सिंपल मेन फंक्शन एंड वी कैन रेड आर कोड एन दट बट वाई देर इज अब्लिक स्टार्टिक वर्ड इतना सारा क्या चीजें एक तो ये वर्ड तो यू मस्ट नो सी प्लस प्लस में भी आप इंट मेन करते हैं वर्ड मेन कर सकते हैं वर्ड टू रिटर्न टाइप है जो कि फंक्शन की हमेशा होती है अब ये पब्लिक और स्टार्टिक क्या चीजें है फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटेड प्रोग्रामिंग यू नो दैट एवरी फंक्शन दैट वी डिफाइन इन साइड अ क्लास इट हैज समिफाइड इट कैन बी पब्लिक इट कैन बी प्राइवेट और इट कैन बी एनीथिंग एल्स जावा में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि देयर कैन बी नो ग्लोबल फंक्शन यानी कि आप क्लास से बाहर कोई भी फंक्शन या मेथड डिफाइन नहीं कर सकते so जब हम क्लास से बाहर कोई फंक्शन या मेथड डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आर मेन मेथड विल बी इनसाइड साइड आर क्लास अब मेन मेथड आ गया क्लास में और इसको एक्सेस कहां से करना है मेन मैथड को तो बाहर से एक्सेस करेंगे ना ताकि आपकी एप्लीकेशन चल सके सो दट इज वाई वी यूज द पब्लिक एक्सेस फॉर आर मेन मैथड वाई मेन मैथड इज स्टाटे स्टेटिक भी आपने पढ़ा होगा ऊप में जरा तो याद करें कि क्या था स्टैटिक स्टेटिक फंक्शन के साथ लगता था विच बिलोंग्स टू क्लास जो कि किसी ऑब्जेक्ट के बिलोंग नहीं करते बट वीच एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर क्लास और इनको हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट के बगैर भी यूज कर सकते हैं सो so, सेंस हम ये नहीं चाहते कि मेन को स्टार्ट करने के लिए पहले इस क्लास को जिसमें एक मेन फंक्शन हमारा है हमें उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़े सो वीव पुट अ स्टैटिक वर्ड बिफोर आर मेन सो पब्लिक इसलिए ताकि बाहर से मेन एक्सेस हो सके स्टैटिक इसलिए सो देट वी कैन वी कैन रन द मेन फंक्शन विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास वाइट इज द रिटर्न टाइप एक और चीज यहां पे आपको नजर आएगी स्ट्रिंग आर्ग्स स्ट्रिंग आर्ग्स क्या चीज है जब आप कमांड लाइन पे पीछे आते हैं तो स्ट्रिंग कमांड लाइन पे जब आप जावा का प्रोग्राम चलाते हैं तो आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि uh, जो आप प्रोग्राम को देना चाहते हैं फॉर अ स्टार्ट कमांड लाइन पे जब आप जावा का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के वक्त हम कुछ ऑर्ग्यूमेंट्स कई दफा देना चाहते हैं ये ऑर्ग्यूमेंट जो हैं ये हमारा मेन फंक्शन रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ एन अरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग्स सो ये जो स्ट्रिंग आर्ग और ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मेन फंक्शन के पैरामीटर है ये सी में भी आप दे सकते हैं और यहाँ पे भी है दैट वी हैव एन अरे और उस रे का नाम आगज है ये जरूरी नहीं कि आप इसका नाम आग्स रखें आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं और इस रे की डेटा टाइप स्ट्रिंग है इस रे में क्या होगा इस रे में वो सब कुछ होगा जो कि कमांड लाइन पे हमने आ, इस प्रोग्राम को चलाते हुए जो भी आर्ग्यूमेंट किए थे दैट विल बी पास्ड इन दिस रे एंड वी कैन एक्सेस दोज्यूमेंट यूजिंग दिस रे सो नेक्स्ट अब हम आ, एक सो तो छोटी सी चीज जो इससे पहले कमांड लाइन के आर्ग्यूमेंट इनपुट लेने से पहले हम जानना चाहेंगे वो ये है कि ये स्ट्रिंग कैसे बिहेव करती हैं। विल हैव मोर डिटेल्ड स्लाइड और मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स लेटर ऑन वन विल डू यूटिलिटी पैकेज और बाकी टाइप की यूटिलिटीज देखेंगे लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि आप छोटे छोटे प्रोग्राम के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकें स्ट्रेंथ हैंडलिंग इज वेरी इजी इन जवाब अनलाइक सी प्लस जो है इट्स नॉट अ पॉइंट टू अ कार रे इट्स इन फैक्ट एन ऑब्जेक्ट इट्स इनफैक्ट अ क्लास जिसके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और इसको जब आप दो स्ट्रिंग्स को मैंने आपसे कहा था कि जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती तो दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो जवाब में एक इंटीजर मिलेगा दो फ्लोट्स को प्लस करेंगे रिजल्ट विल बी अ फ्लोट बट वेन यू एड टू स्ट्रेंक जैसे कि आप स्लाइड uh, पर देख रहे हैं कि हेलो और वर्ल्ड को जब आप एड करेंगे द रिजल्ट विल बी अलो वर्ल्ड सो प्लस साइन ड कंकैटिनेशन वेन यू यूज टू स्ट्रिंग्स एज एन आर्ग्यूमेंट एज एन ऑपरेंट और क्या मिक्स करेंगे जब हम अपने डिफरेंट वेरिएबल्स को या डिफरेंट चीजों को तो फिर क्या होगा जैसे एक हमने स्ट्रिंग ली प्लस का साइन लिया और दूसरा इंटीजियर या फ्लोट ले लिया या कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया स्ट्रिंग एज ए प्रॉपर्टी कि जब इसके साथ प्लस का साइन यूज किया जाए तो ये दूसरी डेटा टाइप को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है तो अगर हम एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा जी हां दोनों की कॉन्टिनेशन सो so अगर आप जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं वी हैव डिफाइंड एन इंटीजर आई द वैल्यू ऑफ आई एस फोर एंड वी हैव डिफाइंड एन इंटीजर जे एंड वैल्यू ऑफ जे एस फाइव नाउ वेन वी ट्राई टू कॉन्केटिनेट वेन वी ट्राई टू प्लस आय विद हेलो हेलो इज ए स्ट्रेंग तो ये आय को भी जो कि एक इंटीजियर था कन्वर्ट कर लेती है स्ट्रिंग में और उन दोनों को ट कर देती है सो द रिजल्ट विल बी हेलो फोर और अगर आप हेलो और वर्ल्ड जो कि दो स्ट्रेंग थे उनको प्लस करते रिजल्ट हेलो वर्ल्ड था तो इसका मतलब स्ट्रेंग के साथ जब भी प्लस करेंगे कंकेटिनेशन हो जाएगी अगर मैं दो डाइडा टाइप को प्लस करके सिस्टम डॉट आउट पर फेंकू जैसे आई प्लस जे दोनों ही टीचर्स है तो फिर क्या होगा तो एज यू मतलब एक्सपेक्टेड जवाब एक प्लस का uh, जो भी उनका साम है वो होगा सो आई प्लस जे आई की वैल्यू फोर थी जो की वैल्यू फाइव थी एंड द सम इज नाइन एंड दट साम विल बी प्रिंटेड ऑन द कौनसोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप दो स्ट्रेंग को कम्पेयर करें हमें बहुत जगह जरूरत पड़ती है एफ एल स्ट्रक्चर में बहुत जगह के जहां पर हम देखना चाहें कि दो स्ट्रेंक बराबर है या नहीं तो कभी भी डबल इक्वल्स टू को ऑपरेटर यूज मत करें स्ट्रेंग को कंपेयर uh, करने के लिए डबल इक्वल टू को ऑपरेटर मत यूज करें उसकी वजह यह है कि जब हम दो चीजों को डबल इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करके कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को ये मैं बात क्लासेस की कर रहा हूं और स्ट्रेंग भी एक क्लास है आपको याद होगा तो ये एड्रेसेस को कंपेयर करता है उनकी वैल्यूज को नहीं सो so, स्ट्रिंग को जब हमने कंपेयर करना है तो हम एड्रेसेस को नहीं बल्कि उनकी वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं सो so, इसलिए अगर आप एक स्ट्रेंग को दूसरी स्ट्रेंग से कंपेयर करना चाहें तो इक्वल्स का एक फंक्शन है उसको इस्तेमाल करें लास्ट uh, लाइन जो स्लाइड की है उसकी एग्जाम्पल दे रही है सो स्ट्रिंग वन डॉट इक्वल स्ट्रिंग टू ये दोनों स्ट्रिंग हैं जो कि कंपेयर करेगी कि क्या स्ट्रिंग वन मैच करती है स्ट्रिंग टू से फॉर करेक्ट कि नहीं आइए इसका एक छोटा सा हम प्रोग्राम देखते हैं ये प्रोग्राम जब भी आपने देखा है कि हमनेग टेस्ट एक क्लास बनाई उसके अंदर हमने अपना मेन मेथड लिखा पब्लिक सर्टिकमेंट अब तक आप इससे बहुत फेमिलियर हो चुके होंगे दो इंटीजर्स डिफाइन किए एक आई है एक जे है, है और हेलो प्लस आई को प्रिंट किया तो प्रिंट हो गया हेलो फोर ये प्रिंट होना चाहिए हम अभी इसके आउटपुट लेके देखते हैं और इसी तरह आई प्लस जे को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा नाइन करेक्ट अब हम दो स्ट्रिंग्स लेते हैं एक एस वन है न्यू स्ट्रिंग और एक एस है पाकिस्तान ये हमने स्ट्रेंग्स को दो डिफरेंट तरीके से इनिशलाइज किया है अभी इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे जाके एक स्ट्रिंग s1 है आप किसी आप दोनों में से कोई तरीका भी यूज कर सकते हैं सेकंड मेथड इज अ प्रेफर्ड मेथड सो वी वी हैव अ स्ट्रिंग s1 uh, जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है एंड वी हैव अ स्ट्रिंग s2 जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है दोनों uh, एक ही करेक्टर्स को शो करें एक ही वर्ड को शो करें अब अगर मैं डबल इक्वल टू कोऑपरेटर यूज करके कंपेयर करता हूं इफ एस डबल इक्वल टू एस और मैं ये कंपेयर ये कुछ लाइन प्रिंट करा रहा हूं कंपेयरिंग स्ट्रेंग यूजिंग डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर तो आपका क्या ख्याल है कि ये प्रिंट होगी या नहीं ये लाइन प्रिंट नहीं होगी क्योंकि S1 और S2 के यहां पे एड्रेसेस कंपेयर किए जा रहे हैं और S1 और S2 टू दीज आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द मेमोरी और जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो जाहिर बात है कि एड्रेस भी डिफरेंट होंगे लेकिन हम तो क्या यहां पे एक्चुअली इस वर्ड के कॉन्टेंट नहीं कंपेयर करना चाहते थे ऐसी बात ही है सो so, इसको कैसे करें डॉट इक्वल्स एस टू तो ये जो इक्वल्स का मैथड आप यहां पर देख रहे हैं ये एक्चुअली दोनों के कॉन्टेंट कम्पेयर करेगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कम्पेयर ये जो हमने सेंटेंस लिखा हुआ कम्पेयरिंग स्ट्रिंग यूजिंग इक्वल मैथड ये प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट हम देखें तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे जावासी स्ट्रिंग टेस्ट डॉट जावा एंड देन जावा स्ट्रिंग टेस्ट तो आप देखेंगे ये हमारी आउटपुट आएगी और इसमें आप आउटपुट अगर देखें तो लिखा होगा कम्पेयरिंग स्ट्रिंग यूजिंग इक्वल मेथड। तो हमारी वो आउटपुट नहीं आई जो कि हमने पिछली साइड में देखी थी डबल इक्वल्स वाली क्योंकि वो एड्रेसेस कम्पेयर हो रहे थे तो ये एक जो तो छोटी सी बातें थी स्ट्रिंग की जिनको हम जानना चाहते थे अब अभी तक हमने आउटपुट करने का तरीका तो देख लिया अब मैं क्या करूं कि मुझे प्रोग्राम को कुछ छोटी सी इनपुट देनी है स्टार्टअप पे सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं दैट इज टेकिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द टेकिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स और ये काम हम कॉन्सोल से करेंगे और कोड पे जरा चलते हैं दिस प्रोग्राम वे टेक टू आर्ग्यूमेंट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द कमांड क्रॉम टू स्टैंडर्ड कॉन्सोल इफ यू स्पेसिफाई लेस टू आर्ग्यूमेंट एंड एक्सेप्शन विल बी थ्रोन तो पता यह चला है कोड लिखा हुआ है ये कमांड लाइन से दो आर्ग्यूमेंट लेगा और इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करके हमें दिखाएगा सो प्रोग्राम का शायद फायदा कोई नजर नहीं है लेकिन एटलीस्ट इतना फायदा जरूर है कि हमें पता चल जाएगा के कमांड लाइन से या कौन से स्टार्टअप के वक्त से स्टार्टअप के वक्त ऑर्ग्यूमेंट कैसे लिए जाते हैं आगे जाके हम देखेंगे कि बीच में कहीं इनपुट लेनी हो तो क्या तरीका हो सकता है सो so, याद होगा अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि मेन मेथड के अंदर वी हैव एन रे आर्ग्स और वो स्ट्रेंग रे है पिछली दफा आपने देखा होगा कि पिछली स्लाइड में हमारी अरे का सिम्बल आगस के बाद था इस दफा अरे का सिंबल आग से पहले आ गया आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं जावा दोनों चीजें अलाउ करती है कोई उसमें डिफरेंस नहीं है सो so, अब सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोग्राम हो, रन कैसे होता है और फिर दोबारा से इस स्लाइड पर आके देखेंगे क्या ये फॉलो करती है उसको या नहीं जावा सी टू आग्स एप डॉट जावा कंपाइल करने का हमारा पुराना तरीका और जावा टू आग्स एप यहां तक तो आपके लिए फेमिलियर है कि जब हम कोई प्रोग्राम रन करने लगते हैं तो हम पहले वर्ड लिखते हैं जावा और उसके बाद उसका आ, एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं एक बात हमेशा याद रखेगा कि कंपाइल करते हुए तो हम एक्सटेंशन देते हैं रन करते हुए हम एक्सटेंशन नहीं देते जावर टू आग एप यहाँ तक हमने लिखा अब बारी आती है इफ यू वॉन्ट टू पास इन सम्ड लाइन ऑर्ग्यूमेंट्स तो यहाँ पे वी आर पासिंग टू कमांड लाइन ऑर्ग्यूमेंट्स हेलो एंड वर्ल्ड यू कैन पास एनी नंबर ऑफ कमांड लाइन ऑर्ग्यूमेंट हुए हैं बट वो है वी आर पासिंग ओनली टू ऑर्गमेंट्स हेलो एंड वर्ल्ड कैसे पता चला कि ये दो आर्ग्यूमेंट हैं जहां पे आप स्पेस देंगे वहां पे एक नया आर्ग्यूमेंट का स्टार्ट हो जाएगा और ये देखें कि लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हेलो एंड सेकंड ऑर्ग्यूमेंट वर्ल्ड तो देखते हैं प्रोग्राम पे चल के कि हमने इसको कैसे प्रिंट किया है ये है हमारी पब्लिक स्टैटिक वर्ल्ड मेन जो हमने अभी तक कोर्ट देखा था अब आइए देखते हैं कि हमने कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट कैसे लिया आग स्ट्रिंग टाइप कह रहे है अरे को C++ में कैसे एक्सेस करते हैं और जावा के साथ हम उसकी सिमिलरिटीज और थोड़ -थोड़ देखते जाएंगे तो प्रोग्रामिंग में आपके जो लर्निंग जावा आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी सो so, ये क्या करता है ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट प्रिंट कर देगा अरे में पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा है पहला आर्ग्यूमेंट था हेलो जब हमने वहां पे कमांड लाइन पे आ, आ, प्रोग्राम को रन करते हुए आर्ग्यूमेंट दिया था और दूसरा ऑर्ग्यूमेंट आपको याद होगा कि हमने स्पेस के बाद दिया था वर्ल्ड तो args one में वर्ल्ड आ जाएगा तो अरे के अंदर जितने आप स्पेसेस के साथ आर्ग्यूमेंट्स देते जाएंगे वो आर्ग्यूमेंट्स अरे के डिफरेंट इंडेक्स पे स्टोर होते जाएंगे जब आप स्पेस देंगे अरे के नए इंडेक्स पे नया ऑर्ग्यूमेंट स्टोर होगा अरे के नए इंडेक्स पे जो नया आर्ग्यूमेंट स्टोर हुआ है इसको हमने अभी देखा है कि जब हमने कमांड लाइन से प्रोग्राम चलाया था तो हमने इसको कैसे प्रिंट किया है तो आइए जरा देखते हैं कि जब मुसलसल हम कुछ ज्यादा आर्गूमेंट्स देना चाहें तो हम कैसे पता चलेगा कि कितने आर्ग्यूमेंट यूजर ने दिए हैं और अगर हम उन्हें प्रिंट करना चाहें तो कैसे हम काम करेंगे सो so, ये जो नया प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसमें हमने एक लूप का इस्तेमाल किया लूप का सेंटेक्स आगे जाके हम दोबारा देखेंगे लेकिन लूप अगर आप देखें तो आपको क्या कोई खास फर्क नजर आ रहा है इस लूप में और सी के लूप में मेरा नहीं ख्याल आपको यहाँ पे कोई फर्क नजर आयेगा यहां पे हमने ये जानने के लिए कि यूजर ने कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे एक अरे की प्रॉपर्टी यूज की है दैट इज आग डॉट लेंथ जरा इस अरे की प्रॉपर्टी पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं C++ के अंदर आपने अरेस बनाई और अरेस को इस्तेमाल भी किया C++ प्लस की आपको रोकती है कि अरे के साइज से ज्यादा चीजें उसमें इंसर्ट ना करें या उसमें से कोई चीजें एक्सट्रैक्ट ना करें ऐसा नहीं है आप एक तीन इंटीजर्स की अरेब बनाए और उसके अंदर आप चार पांच थर्टी सिक्स सेवन्थ एथ लोकेशन पे जहां पर मर्जी जाके वैल्यू डाल दें और वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करें कभी वो गार्बेज देगी कभी वो आपको वैल्यू सही दे देगी और बहुत सारे हैकरनिक यूज करते हैं कि कोड क्रैश करने के लिए कि वो आपको ऐसी वैल्यूज देंगे कि आपकी अरे से या बफर से वो बाहर चीजें चली जाए तो अरे के साथ uh, C++ के अंदर कोई साइज का वैल्यू या साइज का वेरिएबल नहीं जो कि हमें बता सके कि रे का साइज क्या है इसलिए शायद आपको याद हो कि जब आपने कमांड आपने प्रोग्राम्स बनाए होंगे ऊप के या C के तो आप अक्सर फंक्शंस में एक अरे के साथ साइज का वेरिएबल भी पास करते हैं वो साइज का वेरिएबल फंक्शन को बता देता है कि लूब को कहा से कहा तक चलाना है जावा में इस चीज को देखते हुए कि ये वाली जो अरे के साथ प्रॉब्लम है ये काफी कई दफा कोडिंग में प्रॉब्लम्स uh, क्रिएट करती है तंग करती है दे हैव स्पेसिफाइड अ प्रॉपर्टी नोन एज लेंथ विद अरे को एक क्लास की फॉर्म में बनाया गया है बजाय इसके केक के मेमोरी में डायरेक्ट एलोकेशन uh, हम करें अरे को एक क्लास की फॉर्म में बनाया करे और साथ उसका साइज भी है तो लेंथ जो अरे की प्रॉपर्टी है वो बताती है हमें कि अरे का साइज कितना है और यह हमेशा एग्जैक्ट साइज हमें बता रही होगी सेकेंडली जावा में आप रे के किसी ऐसे इंडेक्स को अगर एक्सेस करने की कोशिश करें जो कि अरे की बाउंड से बाहर है जो कि अरे के साइज से बाहर है तो ये आपको एक एक्सेप्शन देगी एक एरर देगी हम एक्सेप्शन और एरर्स पे भी बात करेंगे आगे जाके सो अरे बाउंड चेकड होती है जावा के अंदर अरे के साइज से आप बाहर नहीं जा सकते उसी को आपने इस्तेमाल करना होता है लेकिन आपको अरे का साइज भी हर जगह पता होता है तो कैसे अरे का साइज पता चलाते हैं रे का नाम डॉट लेंथ का वेरिएबल कोर्ट पे इसको देखते हैं आग्स डॉट का जो यहां पे आपको नजर आ रहा है एक सेंटेक्स में चीज ये args अरे का नाम था कमांड लाइन पे जो हमने अरे दी थी और लेंथ जो है यूस अरे की प्रॉपर्टी है यूस रे का साइज बता रही है सो so, हम अपनी लूप कहा से चला रहे हैं हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और वहां तक जा रहे हैं उससे एक बल्कि प्वाइंट लेथ तक जहां तक हमारी अरे का साइज है लेथ तक क्यों क्योंकि जावा की सी की तरह जावा भी जीरो बेस्ड इंडेक्स इंडेक्सिंग करती है अरेज की तो अरे हमारी जीरो से स्टार्ट होती है इसका मतलब है कि अगर हमारे अरे में टोटल वेरिएबल्स टेन होंगे तो वो जीरो से लेके नाइन तक होंगे सो so, आप ये देखें कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक एक करके सारे ऑर्ग्यूमेंट को एक्सेस किया है अरे का इंडेक्स प्रिंट कराया है और वेल्यू भी प्रिंट कराई है अब आप कमांड लाइन से जाके जितने भी ऑर्ग्यूमेंट देंगे हम वो सारे प्रिंट कर सकते हैं सो so, यहाँ पे आप देखेंगे जावा एनी आग्स एप में आए ये आगस जीरो पे पड़ा होगा कैन आर्ग्स वन पे पड़ा होगा पास आग्स टू पे पड़ा होगा एन सो ऑन सो ये सारी चीजें हम कमांड लाइन से इनपुट के टाइम पे पास कर सकते हैं तो so ये था हमारा जावा से कमांड लाइन के ऊपर प्रोग्राम के स्टार्ट के वक्त इनपुट लेने का तरीका कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट लेना सीखे कुछ थोड़ी सी बात जावा की और डिटेल्स पे करते हैं प्रेमेटिव और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डिफरेंस जावा में है उस पर जरा बात करते हैं जावा में हमने डिस्कस किया था कि जावा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो एक शायद मैंने फ्रेज बोला हो कि नाइनटी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये पॉइंट की इंप्योरिटी है ये कहां से आ गई वो यहां से आ गई कि जावा में कुछ हमारे पास बेसिक या प्रेमेटिव डेटा टाइप अभी भी मौजूद है प्रेमेटिव या बेसिक डाटा टाइप्स क्या है? ये हैं? ये आठ डेटा टाइप्स हैं, जिसमें इंटीजर है फ्लोट है बुलियन है करेक्टर है डबल है लॉन्ग है बाइट है शॉर्ट है ये सारी डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, और इनका डिफरेंट साइज है इसमें और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है प्रेमेटिव डेटा टाइप हमने जावा में रखी हुई है एफिशंसी के पर्पज के लिए क्लासेस बनाना क्लासेस को इस्तेमाल करना ऑब्जेक्टिव इंटर प्रोग्रामिंग करना यह हमारी प्रोग्रामिंग तो आसान कर देता है लेकिन इसमें इश्यू क्या है कि ये हमारी स्पीड भी थोड़ी स्लो कर देता है इसलिए आप देखेंगे पुरानी लैंग्वेजेस शुरू में स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस आएंगे उससे पहले असेंबली थी जितना आप बेसिक्स पे रहेंगे उतनी चीजें फास्ट होंगी जितना आप लेयर्स डालते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स डालते जाएंगे क्लासेस डालते जाएंगे चीजें स्लो होती जायेंगी तो लगेली हमारे प्रोसेसर्स की स्पीड अब इतनी तेज है कि हमें शायद इन चीजों का एहसास नहीं होता लेकिन स्टिल लैंग्वेज डिजाइनर जो होते हैं वो कई दफा इन चीजों का ख्याल उनको रखना पड़ता है जावा so के अंदर स्टिल देयर आर एट प्रेमेटिव डेटा टाइप्स और इन प्रेमेटिव डेटा टाइप में और ऑब्जेक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है वो डिफरेंस हम देखते हैं क्या है प्रेमेटिव डेटा टाइप जो होती है आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारे पास जर्नली मेमरी uh, में कई जगह होती है स्टैक और हीप का वर्ड शायद आपने सुना स्टैक पे हमारे लोकल वेरिएबल्स और कई इस तरह की चीजें डिफाइन uh, होती है जबकि हीप पे हमारे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन होते हैं सो जावा में जितनी भी प्रेमेटिव डेटा टाइप्स है जो भी आर्ट जिनका मैंने जिक्र किया ये डिफाइन होती हैं स्टैक पे और इनकी वैल्यू रखी जाती है जबकि ऑब्जेक्ट जो है उसका रेफरेंस स्टैक पर रखा जाता है जबकि ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्रिएट होता है हीप पे ऊपर सो so, ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्रेमेटिव डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट्स को आप रेफरेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं प्रेमेटिव डेटा टाइप्स को आप वैल्यू के साथ इस्तेमाल करते हैं और क्या प्रेमेटिव डेटा टाइप्स और इनके बीच में कन्वर्जन होती है बिल्कुल होती है वो हम देखेंगे कैसे होती है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये डिस्कस करने वाला है C++ में आप दो तरह से फंक्शंस में पैरामीटर्स पास करते रहे हैं. क्या दो तरीके से आप बताएं जी एक था पासिंग बाय वैल्यू और एक था पासिंग बाय रेफरेंस पासिंग बाय रेफरेंस में हम एड्रेस पास कर देते और थे और वैल्यू में चीज कॉपी हो जाती थी तो जावा में जो प्रेमेटिव डेटा टाइप्स हैं, जब आप इसको पास करते हैं किसी मेथड के अंदर तो ये बाय वैल्यू पास होती है जबकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये हमेशा बाय रेफरेंस पास होते हैं फॉर एफिशिएंसी रीजंस। ऑब्जेक्ट्स कभी भी बाय वैल्यू पास नहीं होते हैं. क्या आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं सी में याद होगा कि हमें लाइन लिखते होते थे मैथड के अंदर उसमें एक एम का साइन डाल देते होते थे एंट एम परसेंट एमें बाई रेफरेंस पास करने की कैपेबिलिटी दे देता था जावा में आप ऐसा नहीं कर सकेंगे जावा में वी है ऑब्जेक्ट और एज ए बाई रेफरेंस थिंक देन यू हैव टू यूज समेक इन दर नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज रेपर क्लासेस रेपेड क्लास पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता कि जो प्रेमेटिव डेटा टाइप्स ये हमेशा लोअर केस के साथ इस्तेमाल होती हैं और प्रेमटिव डेटा टाइप्स की वैल्यूज किया स्टैक पे होती है बाय वैल्यू पास की जाती है ये हमारी प्रेमेटिव डेटा टाइप्स कहा यूज करते हैं जनरली आप क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स जब आप बनायेंगे तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं जैसे हमने इंट आई स्टोर कर ली या फ्लोट के तौर पर सैलरी स्टोर कर ली मेथड्स के पैरामीटर्स के अंदर आप यूज कर सकते हैं प्रेमेटिव डेटा टाइप्स मेथड्स के लोकल वेरिएबल्स के अंदर आप प्रेमटिव डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं so, anywhere, जहां पर आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं इसी, जैसे सी प्लस प्लस में काम किया जाता है कोई डिफरेंस नहीं है अदर देन ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज पास बायस प्रेमेटिव डेटा टाइप्स आर ऑलवेज पास बाय वैल्यू सो अब इंटरकन्वर्जन देखते हैं अभी मैंने कहा कि हम रेपर क्लासेस में काम करेंगे रेपर क्लासेस क्या है रैप करना क्या होता है किसी चीज को तय कहूँ के गेफ्ट है इसको रैप करके ले। आप उसे क्या करते हैं डब्बे में बंद करके ऊपर एक पेपर चढ़ा के ले आते हैं तो रैपर क्लास का काम है इंट जो है, ये टाइप है स्टैक पे आती है हीप पे नहीं जाती अगर ऑब्जेक्ट बनाना है इसको एज एन ऑब्जेक्ट पास करना है क्यों पास करना है कई जगह पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको याद कराऊंगा कि मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था तो हमें इस इंटीजियर को कन्वर्ट करना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट में इस प्रेमेटिव इंट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसको कहा जाता है रैपर क्लास सन वालों ने या जावा क्या किया है कि हर प्रेमेटिव बेसिक डेटा टाइप के साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास बना के दे दी है इस स्लाइड पे आप जरा देख सकते हैं कि कौन कौन सी डेटा टाइप है बाइट के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है बाइट शॉर्ट के लिए शॉर्ट इंट के लिए इंटीजर लॉन्ग के लिए लॉन्ग और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कुछ चीजें कोडिंग कन्वेंशन याद करें प्रेमेटिव डेटा टाइप्स हमेशा स्मॉलर और क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है तो क्या आप देख रहे हैं यहां कि जितनी भी रैपर क्लासेस क्योंकि ये क्लासेस हैं इसलिए इनका नाम जो है वो एक कैपिटल लेटर से या अपर केस से स्टार्ट किया जा रहा है जबकि प्रेमेटिव डेटा टाइप आप देखें तो सारी की सारी स्मॉलर मेंस में है इन रेपर क्लासेस का काम क्या है ये रेपर क्लासेस एक तो मैंने कहा कि इस प्रेमेटिव डेटा टाइप को एक एक हम इंट की एग्जाम्पल लेते हैं और उसी को लेकर आगे चलते हैं जो कुछ बातें मैं इंट के लिए कह रहा हूं वही बातें बाकी डेटा टाइप्स के लिए भी मेजोरिटी डेटा टाइप्स के लिए काफी हद तक ट्रू है बुलियन वगैरह कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कई जगह पर बिहेवियर होता है सो so, इंट को हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम रेपर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं इंटीजर रेपर क्लास और न्यू करके ऑब्जेक्ट आपको बनाना आता है स्लाइड पर अगर हम देखें तो इंटीजर नाम इक्वल्स टू न्यू इंटीजर ये हमने एक प्रेमेटिव फोर्स से एक कॉन्स्टेंट से एक इंटीजियर ऑब्जेक्ट बनाया है इसी तरह एक डबल कोर्स में स्प्रिंग वैल्यू पास की और उसका इंटीजियर बनाया इंटीजियर है ये इंटीजियर ऑब्जेक्ट है प्रेमेटिव डेटाटाइप नहीं है जो स्मॉल इंट था और प्रेमेटिव डेटाटाइप्स आप देखेंगे हमें आपने पहले भी देखी है अगर इस ऑब्जेक्ट से हमें अपनी प्रेमेटिव वैल्यू लेनी हो तो क्या करेंगे नम डॉट इंट वैल्यू So, हम अपने ऑब्जेक्ट हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स के साथ उनके फंक्शंस भी होते हैं तो नम डॉट इंट वैल्यू करके हम उसका एक प्रेमेटिव जो भी उसकी वैल्यू थी उसको एक प्रेमेटिव डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं इस फिगर के अंदर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आएगा कि एक प्रेमेटिव और एक रैपर में क्या फर्क है प्रेमेटिव देखें कि वैल्यू स्टोर है स्टाक पर नम केस में और नम ओ ऑब्जेक्ट जो है नम ओ ये एक रेपर क्लास का ऑब्जेक्ट है रैपर क्लास क्यों कहते हैं क्योंकि उसने एक प्रेमेटिव को रैप किया हुआ इसके अलावा कोई उसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है सो नम ऑब्जेक्ट एक रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसको वो एक हीप पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को प्वाइंट कर रहा है तो ये फिगर जरा आपके जेहन में क्लियर करेगी कि प्रेमेटिव और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस कहाँ पे है एडवाइस मैं आपको करूंगा कि जहां पे पॉसिबल हो आपने एंड फ्लोट यूज करने हो तो वहां पर अपनी बेसिक या प्रेमेटिव डेटा टाइप यूज करें ऑब्जेक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं जब तक की कोई खास काम करना न पड़े वो खास काम क्या है आपने कमांड लाइन से अभी भी आर्ग्यूमेंट लेना सीखा है अगर मैं कमांड लाइन से आपको यह टास्क दूं कि एक नंबर लें दो नंबर लें उनको ऐड करें तो नंबर आपको किस फॉर्म में मिलेंगे क्या रे थी क्या चीज थी जो हमें कमांड लाइन से मिलती थी स्ट्रिंग अरे तो उसका मतलब है कि स्ट्रिंग अरे में जितनी चीजें हैं वो भी इट्स स्ट्रिंग्स होंगी क्या मैं दो स्ट्रिंग्स को एड कर सकता हूं पिछली कुछ स्लाइड्स पे जाइए दो स्ट्रेंग्स को एड करता हूं तो वो कॉनकेटिनेट हो जाती है इसका मतलब है कि कमांड लाइन से फाइव और फोर दे के उनको एड करूंगा तो फिफ्टी फोर आंसर आएगा नाइन नहीं आएगा सो so इसका मतलब है कि मुझे कई जगह पे अपनी स्ट्रेंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप पे कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेमेटिव डेटा टाइप पे तो मेरी जो रेपर क्लासेस हैं, ये मुझे फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं, मुझे मेथड्स देती हैं जिनको मैं यूज करके अपनी प्रेमेटिव एक स्ट्रिंग को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रेमेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ सो फॉर एग्जांपल, मैंने कमांड लाइन से लिया 532 स्लाइड पे आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रिंग वैल्यू ये मैं रिज्यूम कर लेते हैं कि कमांड लाइन से आइये इसको अगर मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आई हैव अथड इन टीजर डॉट पार्स इंट जो जोके इस 532 को कन्वर्ट कर देगा एक इंट में सिमिलरली अगर मैं एक नंबर है जो कि डबल को शो कर रहा है तो डबल डॉट पार्स डबल अगर कोई स्ट्रेंग फ्लोट को शो कर रही है क्या करना पड़ेगा कौन सा मेथड होगा सोच के बताएं. इन दोनों को देख के आप मुझे बता सकते हैं आई एम श्योर फ्लोट फ्लोट रेपर क्लास सही डॉट पार्स फ्लोट सो हर हर क्लास में हर रेपर क्लास में हमारे पास पार्स फ्लोट पार्स डबल पार्स एंड इस तरह के मेथड है जो कि स्ट्रिंग्स को कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमारी जो रैपर क्लासेस के बेसिक फंक्शंस थे ये हमारे इस पे स्लाइड पे आपको दिखा भी दिए हैं कि जैसे ये सारे कन्वर्जन uh, के फंक्शंस थे और सारी वैल्यूज uh, को चेंज करने के फंक्शंस थे ये सारा काम आपको करना पड़ता है प्रेमेटिव को कन्वर्ट करना और रेपर में या ऑब्जेक्ट में तो हमें न्यू करके कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ा कंस्ट्रक्टर से इंट वैल्यू लेनी पड़ी वापस उस वैल्यू को प्रेमेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जेडी के वन तक ये सारा काम हमें मैनुअली करना पड़ता थे एज ऑफ जे डी के फाइव हमें एक नई फेसिलिटी अवेलेबल होगी है जिसको हम कहते हैं बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग जब आप इंटीजर रैपर जैसे कि आप देख रहे हैं इंटीजर आय रेपर इक्वल्स टू टेन करते हैं ये टेन एक प्रेमेटिव है अगर पुराना हम जेडी के वन यूज करें तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा न्यू इंटीजर और उसमें 10 पास करना पड़ेगा लेकिन यहां ये ऑटोमेटिकली इस प्रेमेटिव डेटा टाइप को एक कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट में एंड दिस इज बॉक्सिंग। एंड सिमिलरली आप देखें तो इंट आई प्रेमेटिव इसको हमने डायरेक्ट असाइन कर दिया है आई रैपर, आई रैपर का इंट वैल्यू वाला फंक्शन कॉल नहीं किया है इसको कहते हैं अनबॉक्सिंग यानी कि डेटा डेटा टाइप टाइप हमें पता था कि बहुत सादा सी एक है और ऑब्जेक्ट हीप पे होता है तो बॉक्स करना क्या हुआ एक सादा डेटा टाइप को डब्बे में डाला यानी ऑब्जेक्ट बनाया और हीप पे रख दिया और अनबॉक्स करना क्या हुआ उस डब्बे को खोला उसमें से सादा डेटा टाइप निकाली वापस उसको स्टैक पे असाइन कर दिया तो ये बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग पहले हमें खुद से करनी पड़ती थी न्यू इंटीजर करके और डॉट इंट वैल्यू करके JDK 5.0 के अंदर ये फीचर वैसे ही आपके पास अवेलेबल है ये फीचर दिया था C# में .NET के अंदर अब उन्होंने भी इनकोपरेट कर दिया है तो यहां से आपको जो कन्वर्जन है उसका प्रोसेस आसान हो गया नेक्स्ट जो हम इसके बाद देखना चाह रहे हैं चीज हमने थोड़ी सी रेपर क्लासेस देखी थोड़े से इन देखे कई जगह पे आपको लग रहा होगा कि मेरी पेज ज्यादा है शायद टीवी पे गुस्सा भी आ रहा हो लेकिन इसको हैंडआउट्स में और हम काफी डिटेल से कवर करेंगे याद है ना आपको ये हमारा कोर्स है ये वेब प्रोग्रामिंग का है तो हम चाहते हैं कि ज्यादा टाइम वहां पे अपना लगाएं ये जो बेसिक्स हैं या आप हमसे क्वेश्चंस करके ईमेल्स के थ्रू हमसे हमारे हैंडआउट्स के थ्रू काफी कुछ समझ सकते हैं वो सारा हो तो मुझे बता दीजिएगा मेल कर दीजिएगा मैं इसकी और ज्यादा एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा थोड़ी सी और चीज आगे जाके देखते हैं कि इनपुट आउटपुट कैसे करनी है इनपुट आउटपुट करने का जो अभी तक हमने तरीका देखा है वो हमने देखा है कि प्रोग्राम के शुरू के अंदर हम कमांड लाइन के ऊपर लिखते हुए आर्गुमेंट्स दे देते हैं अब मेरा प्रोग्राम चल रहा है और मैंने यूजर से इनपुट लेनी है अब क्या करूं भाई शुरू में ले सकता था इनपुट अब नहीं ले सक रहा तो इसको कैसे करूं कंट्रोल किसी भी जगह पे इनपुट लेनी है क्या करूं कंसोल से C++ में इनपुट लेना बड़ा आसान था सी इन करते थे इनपुट आ जाती थी सी आउट करते थे आउटपुट चली जाती थी जावा में जरा कंसोल से इनपुट लेना थोड़ा सा टफ टास्क है इनपुट बेसिक इनपुट लेना थोड़ा सा टफ टास्क है क्यों है जब स्ट्रीम्स करेंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा थोड़ा सा तरीका एक आपको बता देते हैं ग्राफिकल सा तरीका है और आप यूल डेफिनेटली इन्जॉय दैट कि जावा में इनपुट कैसे ली जाती है सी में हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज पहले से बनी हुई थी वो लाइब्रेरीज का, का काम क्या था मैथ का कोई काम करना है तो सी मैथ के फंक्शन यूज कर रहे कुछ आयो इस्तेमाल करनी है तो उसकी अपनी फाइल थी वो हम यूज कर लेते थे सिमिलरली जावा में भी हमारे पास लाइब्रेरी की एक बहुत ज्यादा तादाद अवेलेबल है वेरी ह्यूज लाइब्रेरी जिसमें वी हैव लॉट ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ बिल्ट एंड क्लासेज विच वी कैन यूज टू डू डिफरेंट टास्क अब इन क्लासेस को हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं सी में कैसे करते थे हम एक हेडरफाइल यूज करनी पड़ती थी जिसको इंक्लूड करके हम अपने प्रोग्राम में काम करते थे जावा में क्या करेंगे जावा में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्जन है थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग वर्जन है इंपोर्ट सो so अगर आप किसी लाइब्रेरी को यूज करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको इम्पोर्ट का एक वर्ड लिखना पड़ेगा जितने भी ग्राफिकल जावा में चीजें हैं बड़ी है, आप देख सकते हैं हमारे जैसे कैलकुलेटर्स वगैरह ये सारे अभी जीयूआई यूआई बेस्ड जो इनपुट के तरीके हैं या जितने भी ग्राफिकल यूजर इनपुट डिवाइसेज हैं, सारे ये सारे आप कॉम्पोनेट्स बना सकते हैं जावा के अंदर जावा के दो तीन पैकेजेस हैं जो आपको हेल्प करते हैं पैकेज का लफ्ज मैंने बोला है आई डू द एक्सप्लेनेशन लेटर जावा में डिफरेंट पैकेजेस है जो कि यह काम कर सकते हैं एक उनमें से पैकेज है Swing का और ए का स्वेंग को और ए को हम किसी स्टेज पे बोलेंगे थोड़ा सा स्विंग को यूज करके इनपुट लेना जरा देखते हैं क्या करें हम इनपुट लेने के लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टारेक ये हमें स्विंग की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देगी जावा में जितने पैकेजेस या इस तरह की लाइब्रेरी होती है उनके नाम स्मॉल में होते हैं और डॉट स्टारक जो है ये इस स्विंग डायरेक्टरी के अंदर पड़े हुए स्विंग पैकेज के अंदर पड़े हुए सारी क्लासेस को हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल कर देगा यह हमारे प्रोग्राम का साइज नहीं बढ़ाती सिर्फ ये अवेलेबल हो जाती हैं यूज करने के लिए सो इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग ये हमेशा आपकी टॉप स्टेटमेंट होगी इससे पहले एक और स्टेटमेंट आ सकती है जब हम पैकेज डिस्कस करेंगे विल विल सी अबाउट दैट बट इम्पोर्ट राइट नाउ इम्पोर्ट स्टेटमेंट जितनी भी इम्पोर्ट देअर कैन बी मल्टीपल इम्पोर्ट्स जितने भी इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स हों जितने भी आप लाइब्रेरी ऐड करना चाहें वो अपनी टॉप पे आप ऐड करेंगे प्रोग्राम की सो so, हमने अपनी एक लाइब्रेरी ऐड की इम्पोर्ट डॉट स्विंग डॉट स्टार अब हमने एक क्लास शुरू की पब्लिक क्लास इनपुट आउटपुट टेस्ट ये हम थोड़े से ग्राफिकल इनपुट आउटपुट करेंगे और इसके अंदर हमारा मेन मेथड आ गया ये जो आप चीज देख रहे हैं जे ऑप्शन पैन जे ऑप्शन पैन जो है ये एक स्विंग का डायलॉग बॉक्स है जो कि हमारी इनपुट लेने में हेल्प करता है तो जे ऑप्शन पैन के कई मेथड्स हैं। उसका एक मेथड डॉट शो इनपुट डायलॉग हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खोल देता है और इसमें जो आपको लिखा नजर आ रहा है एंटर द नंबर ये उसकी टॉप पे लिखा हुआ नजर आएगा अभी हम इसकी आउटपुट आपको दिखाते हैं सो so, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स के ऊपर लिखा होगा एंटर द नंबर ये आपकी स्क्रीन पे वो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एंटर द नंबर इसमें आप कोई भी वैल्यू एड कर सकते हैं वंस यू हैव एंटर द वैल्यू ये वैल्यू हमें मिलती है स्ट्रिंग की फॉर्म में अब जो प्रॉब्लम है कमेंट्स पढ़े तो हम क्या प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वी वांट टू मेक अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट थ्रू जीयूआई यू आई एंड प्रिंट स्क्र अब किसी नंबर का स्क्वेयर करना है तो वो तो इन फॉर्मेट में फ्लोट फॉर्मेट में किसी फॉर्म में होना चाहिए स्ट्रिंग से काम बनेगा नहीं सो so लेट्स

और जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप है वो भी वैसी ही होती है सो वट वी हैव डन हमने जियो ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग वी हैव है स्टेटिक मैथड क्योंकि ये क्लास के नाम के साथ इस्तेमाल हो रहा है जियो ऑप्शन पैन जो है ये क्लास का नाम है और शो इनपुट डायलॉग उसका एक स्टैटिक मैथड है उसको हमने दिया है एंटर द नंबर एक स्ट्रिंग uh, जो कि डिस्प्ले होगा टॉप पे और ये यूजर यहां से हमें एक नंबर दे देगा यूजर ने हमें जो भी नंबर दिया है वो आ जाएगा हमारी इनपुट uh, नामी वेरिएबल में विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज अस्ट रिमेम्बर एज नंबर एंड एंट नंबर इक्वल्स टू इंटीजियर डॉट पार्स एंट इनपुट सो ये इनपुट वो है जो की स्ट्रेंग है और क्योंकि वो स्ट्रेंग असल में एक इंटीजियर को शो कर रही थी तो ये पार्स एंड मैथड जो है ये उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में नेक्स्ट लाइन पे हमने उसका स्क्वायर किया है और उसके बाद इस स्क्वायर को हम दो जगह पे प्रिंट करा रहे हैं हमें स्क्वायर को कौनसोर पे भी प्रिंट कराएंगे जिस मेथड से आप मिल हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये स्क्वायर को कौनसोल पे प्रिंट कर देगा एंड सिमिलरली वी हैव जियो ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग दोबारा जीओ ऑप्शन पैन आ गया इसका शो मैसेज डायलॉग जो है ये इसको प्रिंट कर देगा एक ग्राफिकल फॉर्म बैठ में हमें दिखा देगा जो ऑप्शन पेंट और शो मैसेज डायलॉग अगर आप देखें तो इसमें एक ऑर्ग्यूमेंट पास हो रहा है नल और एक ऑर्ग्यूमेंट पास हो रहा है स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या चीज है स्क्वायर तो वो वेरिएबल है जो कि हमें जिसमे हमारा स्क्वायर पड़ा हुआ है और ये जो दूसरा स्क्वायर है ये एक स्ट्रेंग है यहाँ पे जो जे ऑप्शन पेंड और शो मैसेज डायलॉग जो हमारे पास मेथड है ये दो चीजें लेता है एक वो ऑब्जेक्ट या वो जी होती है जिसके सामने ये डायलॉग दिखाना है वो तो हमारे पास क्योंकि कोई है नहीं तो हमने नल यहां पे दे दिया कि हम किसी जी के सामने नहीं दिखाना चाहते बस इसको वैसे ही दिखा दो स्क्रीन के ऊपर और दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज ये लेता है स्ट्रिंग हमारे पास स्क्वायर जो है वो एक क्या है वो एक इंटीजर है तो उस इंटीजर को स्ट्रिंग बनाने का एक बड़ा ही आसान और शॉर्टकट मेथड जो है वो ये है कि आप किसी भी इंट को किसी भी फ्लोट को किसी भी डबल को जब भी किसी स्ट्रिंग के साथ प्लस करेंगे वो भी एक स्ट्रिंग बन जाएगा सो so, हमने यहाँ पे थोड़ी सी क्या शॉर्टकट यूज किया है हमने स्क्वायर नाम की स्ट्रिंग प्रिंट कराई है और प्लस लिख के स्क्वायर लिख दिया है तो वो जो स्क्वायर नंबर है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है हमारे स्क्वायर की वो भी कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में और हमें ये आउटपुट नजर आ जाएगी इसके बाद एक लाइन आप देख रहे होंगे सिस्टम डॉट एग्जेट जीरो एज ऑफ जे टू एसी फाइव जो लेटेस्ट वर्जन है हमें ये लिखने की जरूरत नहीं लेकिन पुरानी JDKS के अंदर आपको ये लिखना होगा ताकि आपका प्रोग्राम एग्जेट हो जाए क्या ये हर दफा लिखना होगा नहीं जब आप जियो ऑप्शन पैन वाली क्लासेस यूज करें तो तब इसको लिख दीजिएगा जरा नेक्स्ट लाइड पे देखेंगे हम इसको जब कंपाइल करके चलाया है तो इसकी आउटपुट क्या आई है सबसे पहले तो हमने क्या डिस्प्ले कराया था यूजर को हमने डिस्प्ले कराया था शो मैसेज डायलॉग शो इनपुट डायलॉग शो इनपुट डायलॉग अगर आप देखें तो इसपे एंटर द नंबर ये वो चीज है जो कि हमने पास की थी डबल कोर्ट के अंदर और इसमें यूजर ने दिया 12 और ट्वेल्थ 12 देकर वो दबाएगा ओके और हमारे पास जो मैसेज डायलॉग जब हमने डिस्प्ले कराया तो उसपे स्क्वायर नजर आ रहा है तो क्यों थोड़ा मजा आया ना ये जरा फैंसी सा तरीका है इनपुट लेने का पहले हम आज तक कौनसोल पे इनपुट आउटपुट लेते रहे आज तक आप इससे पहले कमांड लाइन पे जाके लिखते थे और इनपुट आउटपुट आते थे आहिस्ता आहिस्ता हम जरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं वेरी स्मॉल वे वेरी स्मॉलिंग इनपुट फ्राम यूजर यूजिंग दैट इनपुट एंड डुइंग टू और उसी को आउटपुट को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना जब तक हम आगे नहीं पहुंचते आगे इवेंट हैंडल नहीं करते आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुट आउटपुट लेने के लिए अच्छा अब ये काम तो कर लिया बहुत ही बेसिक टास्क आज मैंने कहा था कि जरा तेज स्पीड से कुछ हम बुलेट ट्रेन की फॉर्म में जाएंगे और जल्दी से जावा के बेसिक टास्क कवर कर लेंगे अब जरा आते हैं देखते हैं कि आगे हम जावा में बेसिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर एफ फेल्स और स्विच वगैरह कैसे यूज करते हैं ये एफ फेल्स की एक एग्जाम्पल है अगर आप इस स्लाइड को देखे तो इसमें और सी प्लस प्लस के सेंटेक्स में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई फर्क नजर आना चाहिए अदर देन की हम सी आउट के बजाय सिस्टम डॉट आउट यूज कर रहे हैं सो एक्चुअली इफ एल सेफ और एल्स ये सारे स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारे सी प्लस प्लस में होते हैं एफ फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड नंबर डू समथिंग एल सेफ फर्स्ट नंबर डबल इक्वल्स टू सेकेंड नंबर डू समथिंग एल्स एल्स डू समथिंग सो ये एफ एल सेफ एल्स वैसे ही स्ट्रक्चर है जैसे सी प्लस प्लस में होता है ये हम इसकी एक आउटपुट आपके सामने आ, शो कर देते हैं जो भी हमारे नंबर है जब If-else का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर कई दफा हमें कंपैरिजन करने पड़ते हैं कई दफा हमें बुलियन ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं ये बुलियन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, ये सारे भी मोरोलेस सी प्लस प्लस और जावा में एक से हैं। अगर हम स्लाइड पे देखें तो हमारे पास डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू कॉपरेटर है सी प्लस प्लस में था हमारे पास लेस देन लेसर इक्वल टू ग्रेटर दैन ग्रेटर इक्वल टू कॉपरेटर है अगेन वी हार्लस प्लस एंड है लॉजिकल एंड है लॉजिकल ऑर है लॉजिकल लगेशन है और जिस तरह सी प्लस प्लस में शॉर्ट सर्किटिंग होती थी आ, वैसी इस पे एप्लीकेबल है सो आई एम नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑन इट जो भी आपका प्रायर नॉलेज है सी प्लस प्लस का दैट इज एग्जैक्टली एप्लीकेबल वेयर एस वेल डेस्ट कम टू नेक्स्ट स्लाइड स्विच को जरा देखते हैं कैसे करते हैं स्विच में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है कि जावा uh, में हम स्विच जो है उसमें इंट सिलेक्टर पास कर सकते हैं सो वी कैन एक्चुअली पास अ करेक्टर और एज वेल एज एन इंटीजर स्विच की चॉइसेस के लिए सो so हमने यहाँ पे यूजर से पूछा इस प्रोग्राम में कि वो क्या करना चाहता है अगर हम वन दे देंगे यहाँ पे तो ये सम कर देगा टू दे, दे देंगे तो प्रोडक्ट कर देगा सो so हमने इस च्वाइस को एक सी वेरिएबल में रख लिया है और इसके ऊपर एक स्विच का स्ट्रक्चर लगा दिया सो द वे यू यूज

आपको कोई बहुत इसमें काम नहीं करना पड़ेगा अपने आप को स्विच ओवर करने के लिए इसके बाद अगर हम आए तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारी दो तीन टाइप की लूप्स अवेलेबल हैं वाई लूप है डू वाई लूप है फॉर लूप है, है उनके सेन्टेक्स भी एग्जेक्टली exactly सेम है कोई डिफरेंस नहीं है हम जो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे उसमें हम उसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको सारे सेंटेक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बाकी चीजें अगर आपको कोई क्वेरीज है यू कैन Uh, refer to our handouts, or you can call us, uh, or you can contact us through our emails. So on this slide, we have an example of a for loop. For loop, We have an example of while loop and a do while loop. Upper for loop, start weight starting value, the int i equals to one. Similar to C i less equals to five. Again, similar i plus plus. is exactly same. many a plus plus

डिफरेंस नहीं है ये हमने एग्जाम्पल एग्जीक्यूट किया आपके लिए और ये उसका आउटपुट हमारे सामने आ रहा है तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टास्क uh, देखे जो हम जावा के साथ परफॉर्म कर सकते हैं सी प्लस प्लस की मोस्टली रेपिटेशन फील हुई होगी uh, जो कि हमारी इंटेंशन भी थी जावा को यूज करने के लिए कि वो एक ही तरह की दोनों लैंग्वेजेस है सो वायल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर देखे सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखे कुछ जावा की बेसिक्स देखी प्रेमिटिव ऑब्जेक्ट का डिफरेंस देखा ये सारे काम हमने किए मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा अपने तौर पर प्रोग्राम्स बनाएं इनको प्रैक्टिस करें हैंडआउट्स दे में हम आपको कुछ एक्सरसाइज मटेरियल भी दे देंगे नेक्स्ट टाइम जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्लासेस के बारे में बात करेंगे हाउ टू डिफाइन अ क्लास इन जावा हाउ टू क्रिएट इस ऑब्जेक्ट्स और उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करना है जरा अपनी सी या ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग की जो आपने क्लासेस बनाने का तरीका सीखा था ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका सीखा था उसको रिवाइज करके आइएगा और एक कॉपी पे साथ लिख के लाइएगा सी प्लस प्लस की एक क्लास जिसमें आपने एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन की हो और उसमें एक रोल नंबर का फील्ड हो और एक नेम का फील्ड हो ये क्लास आपने सी प्लस प्लस में बना के लानी है उसके गेटर सेटर भी साथ लिखे हुए हो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर हो और एक ऐसा कंस्ट्रक्टर हो जो कि हमारे पैरामीटर्स ले रहे है और फिर हम देखेगा कि कुछ हम जादू की छड़ी घुमाएंगे और ये क्लास इसी तरह से जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगी जावा की क्लास में तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक तो के लिए अल्लाह हाफिज